नमस्कार दोस्तों, इंडिया स्ट्राइक्स चैनल पर आपका स्वागत है। तो जैसे कि हम सबको पता है, हाल में इसराइल और ईरान के बीच में एक कोल्ड वॉर जैसी परिस्थिति खड़ी हो गई, जहां पर इसराइल ने एक तरफ दमास्कस सीरिया में इरेनियन एम्बेसी के ठीक बगल वाले बिल्डिंग को प्रिसीजन स्ट्राइक से उड़ा दिया था और उसमें कई सारे IRGC के ऑफिसर्स को मार दिया था। उसी के सामने ईरान ने भी एक मैसिव स्ट्राइक करके इसराइल के ऊपर हमला किया था ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस के अंतर्गत, जिसमें उन्होंने 300 से ज्यादा मिसाइल्स और ड्रोन से इसराइल के ऊपर हमला किया था, जिसमें से ज्यादातर मार गिराए गए थे बीच रास्ते में ही और कुछ इसराइल में जाकर गिरे थे। इसमें 4 लोगों की मौत हो गई, 1 इसराइल में और 3 जॉर्डन में, जैसे कि हमने आपको आगे के वीडियोस में बताया था। इसके पश्चात शुरुआत में इसराइल ने इसका कोई भी प्रत्युत्तर ना देने की बात कही थी, लेकिन जब इसराइल वॉर कैबिनेट की मीटिंग हुई उसके पश्चात उन लोगों का स्टेटमेंट आया और अलग अलग माध्यमों से उन लोगों ने यह बात कही कि इसराइल ईरान के इस हमले का प्रत्युत्तर देगा। उसी के चलते इसराइल एयरफोर्स, IDF और सभी यूनिट्स अलर्ट पर है और रेडी है ईरान के ऊपर हमला करने के लिए, लेकिन वो हमला किस तरह से किया जाएगा और उसका अंतिम गोल क्या होगा ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। लेकिन एक बात जो हमने आपको आगे के वीडियोस में भी कही थी कि दे माइट गो फॉर द हेड ऑफ द ऑक्टोपस, यानी कि वो जो करंट इरानियन रिजीम है और IRGC है, उन लोगों को गिराने की कोशिश करें और उसके लिए जो भी ऑपरेशन करना पड़े वो कंडक्ट करें और मेजरली वो कोवर्ट ऑपरेशन हो सके, ऐसी संभावनाएं देखी जा सकती हैं। इसके सामने ईरान ने भी अपनी रेडीनेस दिखाई है और ये बताया है अलग अलग माध्यमों से, अलग अलग न्यूज मीडिया से और ट्विटर से भी कि वे लोग इसराइल का किसी भी प्रकार का हमला थॉट करने के लिए, उसको अटकाने के लिए तैयार है। अब ये जो परिस्थितियां मिडिल ईस्ट में खड़ी हो रही हैं, उन सभी के बीच में दो बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। उसमें से सबसे पहला है जो आज आया है, BBC यानी कि ब्रिटिश ब्रॉडकास्ट के द्वारा एक फेक न्यूज चलाया गया, जिसमें ये बताया गया कि इसराइल ने स्ट्राइक्स किए हैं ईरान के ऊपर, ईरान का जो अटैक था उसके बदले में। लेकिन हकीकत यह है, जो कई सारे इरानियन ऑफिशियल्स ने और तस्नीम न्यूज एजेंसी ने भी रिपोर्ट किया कि इस प्रकार का कोई भी हमला किसी भी जगह पर नोट नहीं किया गया, ऐसा कोई भी हमला नहीं हुआ है, तो ये स्पष्ट हो जाता है कि ब्रिटिश ब्रॉडकास्ट फिर से एक बार फेक न्यूज फैला रहा है, जिसके चलते मार्केट की परिस्थिति भी संभवतः आज काफी डाउन चल रही है। तो इसी के ऊपर हम लोग खास लोगों से निवेदन करना चाहते हैं कि ऐसे किसी भी न्यूज एजेंसी की बातों पर विश्वास करने से पहले उन न्यूज को वेरीफाई करें अलग अलग सोर्सेज के माध्यम से। कई सारी जगहों पर ऐसी जो इंपॉर्टेंट न्यूज होती है वो रिपोर्ट की जाती है, तो उनको पढ़ें, वेरीफाई करें और उसके बाद ही किसी भी प्रकार का डिसीजन लें। अब आते हैं दूसरे इंटरेस्टिंग न्यूज के ऊपर। तो उसके ऊपर चर्चा करने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है जो ध्यान में लेना काफी ही जरूरी बन जाता है, और वो ये है कि जब ईरान को ये बात स्पष्ट है कि अगर वो इसराइल और USA के सामने डायरेक्टली युद्ध छेड़ देता है तो उसकी जीतने की संभावनाएं नियरली इम्पॉसिबल है। साथ ही में जैसे हमने आपको आगे के वीडियो में भी बताया था, ईरान में ग्राउंड पर जो इरेनियंस हैं वो लोग इस गवर्नमेंट के सपोर्ट में नहीं है, जो करंट इरेनियन रिजीम है, चाहे वो आयतुल्ला खमेनी हो या फिर IRGC हो, इन लोगों के सपोर्ट में नहीं है। तो इसके बावजूद ईरान ने इसराइल के ऊपर इतना मैसिव स्ट्राइक क्यों किया, इसके लिए हम लोगों को जाना पड़ेगा कुछ समय पहले, जब IAEA यानी कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने ईरान के बारे में एक रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि ईरान में जो यूरेनियम एनरिचमेंट प्लांट है उसमें इस लेवल का यूरेनियम एनरिच हो रहा है कि आने वाले कुछ ही हफ्तों के अंदर ईरान न्यूक्लियर वेपन्स प्रोड्यूस करे, ऐसी संभावनाएं बताई गई थी। इस रिपोर्ट को भी हमने अपने वीडियो के माध्यम से शेयर किया था, अगर आपने नहीं देखा है हम नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, आप जाकर देख सकते हैं इस वीडियो के बाद। तो इसी पर चलते हुए कल ईरान में से ये खबर आई कि अगर इसराइल ईरान के ऊपर हमला करता है किसी भी प्रकार से तो वो अपनी जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है उसको चेंज कर देगा, यानी कि अभी तक ईरान के पास कोई भी न्यूक्लियर वेपन्स नहीं थे ऑफिशियली, लेकिन अब अगर इसराइल हमला करता है तो वे लोग इस डॉक्ट्रिन को चेंज करेंगे और वो न्यूक्लियर वेपन्स प्रोड्यूस करना ऑफिशियली शुरू कर देंगे। और साथ ही में उन्होंने ये भी बताया कि हाल में उनके पास जिस प्रकार का यूरेनियम अवेलेबल है उसमें से वो लोग तकरीबन 8 से 15 न्यूक्लियर वॉरहेड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं इमीडिएटली। तो इसी के चलते ये मान सकते हैं कि हाल में
ईरान ने जो इसराइल के ऊपर स्ट्राइक किया और डायरेक्टली कंट्री टू कंट्री वॉर में वो इन्वॉल्व हो गया, उसकी जो वजह है वो अपने न्यूक्लियर वेपन्स को ऑफिशियल करने की हो सकती है। तो आने वाले समय में देखना होगा कि क्या ये न्यूक्लियर वेपन्स ऑफिशियली ईरान डिक्लेयर करेगा या नहीं, और किस प्रकार से इसराइल ऑपरेशन करता है जिससे ऑक्टोपस का जो सर है वो अलग किया जा सके, और मिडल ईस्ट में जो हाल में उन्माद फैला हुआ है, खास करके हमास, हुतीज, हिजबुल्ला और ऐसी कई सारी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के चलते, वो कम हो सकता है या नहीं। जैसे जैसे अपडेट्स आएंगी हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। आपको क्या लगता है कि क्या ये जो कॉन्फ्लिक्ट है और खास करके ईरान का जो अटैक है और उसका जो हाल में रिस्पॉन्स आया है वो उसके न्यूक्लियर वेपन्स को ऑफिशियल करने के लिए है या नहीं, या फिर कोई और एंगल है, ये हमें कॉमेंट जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपने अन्य वीडियोस नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दिए हुए हैं, आप जाकर देख सकते हैं जो इस पर्टिकुलर घटना से, इस कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड है, तो आप जाकर जरूर देखिए। मिलेंगे अगली खबर में, तब तक के लिए जय हिंद, हर हर मान।